हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल ऑटो एरा। और आज मैं आपके लिए एक कमर्शियल सेगमेंट की एक जानी मानी गाड़ी में से एक लेकर आया हूं, जो इंट्रा V50 के नाम से जाना जाता है। नई बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं क्योंकि तुरंत अभी लॉन्चिंग हुई है, हाल ही फिलहाल कुछ समय में। V50 के नए कलर से लेकर बहुत सारी चीज़ों को हम टैली करने वाले हैं, पर सबसे पहले मैं बता दूँ इसकी कीमत कितनी पड़ती है। तो मेरे सिटी में इसकी कीमत पड़ रही है लगभग 10,05,000 रुपए की। आपके सिटी में डेफिनेटली थोड़ा बहुत वैरी करेगा। एक शोरूम से अगर आप टैली करें तो 8,67,000 की ये पड़ रही है। अब इतना इंक्रीज़ होकर आपके शहर पे ऊपर नीचे 5-10,000 रुपए में ये गाड़ी मिल जाएगी। अब बहुत सारे सवाल उठते हैं कि V30 के कंपेयर में V50 क्यों लें, क्यों ये बेहतर साबित होगा, कलर जो नया है वो कितना अच्छा है, या कलर का हमारे कमर्शियल के लिए क्या काम आने वाला है, हमें तो मेन इसका पावर चाहिए। तो मैं बता दूं, जैसे पावर से शुरुआत करें तो 4 सिलेंडर है, 1496 सीसी का डिस्प्लेसमेंट इसमें मिल जाता है, और पावर ये व्हीकल निकाल के देता है 79 HP का। वहीं पर टॉर्क आपको लगभग 220 Nm का मिलता है। अब जैसे फ्रंट के लुक को मैं देखूँ तो जैसे यहाँ देख रहे होंगे तो इंडिकेटर बल्ब में है, नीचे भी रिफ्लेक्टर के साथ बल्ब भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर V50 लिखा हुआ है, क्रोम बीच वाले भाग में अब देखने मिल जाता है, पर यहाँ बीच में है हल्का सा पियानो ब्लैक, जो थोड़ा बहुत ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से इन लोगों ने डाल दिए हैं। पिकअप जो लिखा हुआ है वो क्रोम में है, बेस जो है ब्लैक है, इंट्रा ये आपको क्रोम टच में मिल जाता है। अगर दूर से मैं दिखाऊँ तो ऊपर जैसे क्रोम है तो नीचे वाला भाग थोड़ा सा ग्रे स्लेटी कलर का आपको मिल जाता है, और अभी सूरज की रोशनी में देख रहे होंगे इतना शाइन मिलता है, रात की रोशनी में थोड़ा सा कम हो जाता है। दूर से अगर मैं इसके लुक को दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब लुक वैसे भी इस गाड़ी में ज़्यादा मैटर नहीं करता है, पर कई लोग घर के लिए ही पहली शुरुआत रखते हैं तो थोड़ा अच्छा दिखने वाली गाड़ी ढूंढते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने सोचा ये बता देता हूँ। फिर नीचे जैसे फॉग लैम्प यहाँ पर मिसिंग है, निचला भाग कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ये रहा बम्फर। सामने के भाग को जैसे छोड़ के साइड की तरफ आए तो इस रंग की असली अहमियत पता चलती है। अब ये जो रंग है ना, ये प्रॉपर सिल्वर में भी नहीं है, ब्लूइश में भी नहीं है, दोनों के मिश्रण के बीच में से एक हाल फिलहाल में ये चीज़ मिल जाता है। बाएं साइड या दाएं साइड कभी भी जाएं आप तो ये मिरर पे ऐसा कुछ चीज़ एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ है, शांत आपको एक ठीक ठाक प्लास्टिक क्वालिटी के साथ मिल जाता है। घुसने के लिए जो डोर है ये भी आपको साधारण प्लास्टिक में मिल जाएंगे, और उसके हिसाब से ठीक। इंट्रा V50 के जैसे मैं अंदर खोल के घुसूं तो कुछ पूरी तरीके से काला रूप में ये गाड़ी मिल जाती है, जिसमें प्लास्टिक ठीक ठाक है, एकदम भी चीप नहीं है, बट थोड़ा से एक बेहतर रूप पे रखना चाहिए था मुझे ऐसा लगा। स्टेयरिंग जैसे देख रहे होंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, और वहीं पर ये भाग और वो भाग खाली है। जो इसका स्क्रीन है या जो भी जानकारी आपको बताने वाला वो कैसा है वो एक बार मैं आपको बताता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको इसके ना चाबी भी दिखा देता हूँ कि कैसा है। तो चाबी कुछ इस रूप में आपको मिल जाएगा, जो कि ठीक ठाक है। ये है इनपुट, और जैसे मैं इसको ऐसे करूं तो कुछ चालू होते हुए ऐसा दिखेगा। जैसे मैं ऊपर यहाँ पर बैठ गया हूँ तो कितने किलोमीटर पे ये गाड़ी चल रही है वो जानकारी, टाइम क्या हो रहा है और कितने किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, फ्यूल का इंडिकेशन, गाड़ी में कोई दबाव हीट वगैरह सब का जानकारी, ट्रिप ए सेट होना, ये सब चीज़ें इसमें बता देगा। जैसे फिर अगर मैं बंद करके चालू करूँ तो कुछ ऐसा चालू होते वक्त ये दिख जाता है। बीचों बीच में आपको टाटा कुछ ऐसे क्रोम टच में मिलेगा, और हॉर्न अगर मैं इसका चेक करूं तो कुछ इस प्रकार का मिल जाता है। बीच में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं जो चीज़ होनी चाहिए, और सामान्य रूप से जैसे इधर देख रहे होंगे तो ये भाग एसी के लिए एक रूप से रहना चाहिए था, पर फिर भी जितनी भी कमर्शियल गाड़ी है उसमें यह चीज़ की कमी रहती है, पर फिर भी दी हुई है यह सब चीज़ें। 5 वॉट के यहाँ पर इनपुट के लिए थोड़ा फोकस कर देता हूँ। ये 5 स्पीड गेयरबॉक्स के साथ आती है और अच्छा सटीक काम करता है, तो उसमें आपको कुछ ऐसा मिल जाता है। ड्राइवर की तरफ या आप चलाते समय देखते हैं तो ये आईने घुमाने के लिए, ये ओपन करने के लिए, और ये ग्रिपिंग के लिए कुछ ऐसा दिया हुआ है, और बोतल
कि जैसे कोई भी वस्तु आप रखते हैं तो यहाँ पर आप रख सकते हैं। दूसरे जो भाई बंधु उस साइड बैठेंगे उनके लिए कुछ इस प्रकार से दिखेगा, और जो नॉर्मल अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो इस तरह के से। ठीक है, टायर्स इसमें मिलते हैं 215x75 R15 इंच के। इसमें सेक्शन प्रोवाइड कराए गए हैं जो कि काले रिम के साथ मिलता है और बेहतर है। अब जैसे इस पूरे व्हीकल का टोटल वजन अगर मैं बताऊं तो 2960 का है और पेलोड कैपेसिटी 1500 की है। ऑफकोर्स एक मिनिमल हिसाब से आपको काउंट में मिलेगा, पर इसके हिसाब से आप ज़्यादा भी इसमें लोड कर सकते हैं, पर सामान्य तौर पे पेलोड कैपेसिटी इतना दिया है। व्हील बेस भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, उससे ये पता चल जाता है कि पीछे का जो डाला है क्या लंबाई वगैरह सब। तो इस गाड़ी में लगभग व्हील बेस 2600 mm का मिलेगा, और कुल लंबाई अगर मैं इस छोर से उस छोर तक अगर आपको बताऊँ तो वो पड़ती है 4734 की इसमें मिल जाती है। फिर इसके बाद ये जो बड़ा सा डाला देख रहे हैं उसको भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर इसकी लंबाई के बारे में मैं बताऊं तो 2960 है, और वहीं पर चौड़ाई अगर आप देखें जैसे मैं यहां से दिखाता हूं तो 1.5 मीटर के ऊपर है, जो कि तकरीबन 1620 है। अब इसे ना फीट में भी एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि mm थोड़ा सा पेचीदा रहता है। तो 9.8 mm कि इसकी लंबाई है, 5.3 फीट की इसकी चौड़ाई दी हुई है, और उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें मुझे ठीक ठाक इसमें लग गई थी। वहीं पीछे के अगर टायर के तरफ जाऊं तो सेम अपोलो के आपको मिलते हैं, और इसमें 215x75 R15 के कुछ इस ग्रिपिंग के साथ आपको मिल जाते हैं। डाला का जैसे सामान्य रूप से जो आप देख रहे हैं ना, ये लंबाई और कलर के हिसाब से कुछ चीज़ें बेहतर इसमें लगी। और वहीं पर जैसे मैं पीछे अगर जाऊं तो यहां पर लिखा हुआ है इंट्रा और पिकअप V50 जैसे गाड़ी के नाम है वो पीछे नहीं मिलते हैं। और इसमें जैसे देखें तो सेंटर में है टाटा। अब टाटा ये जो बड़ा सा है कुछ लुक में मुझे बेहतर लगता है। अब बहुत सारे लोग ये भी प्रेफर करते हैं कि इस कीमत पे मैं बड़ी गाड़ी भी प्रेफर कर सकता हूँ, तो वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं। पर इस सामान्य तौर पर अगर आप देखें कुछ अनोखी चीज़ें आप चाहते हैं तो कलेक्शन के तौर पे आप ये भी ले सकते हैं। आने वाले समय में जो योद्धा नया अभी आया है 2.0, उसको भी मैं कवर करने वाला हूँ ताकि आपके लिए निर्णय लेने में सहूलियत हो सके। तो उस दृष्टिकोण से आप कुछ दिन और इंतज़ार करिए ताकि मैं वो जब भी लाऊँ तो आपको थोड़ा सा सहूलियत पड़े आपके निर्णय के लिए। तो कैसा लगा आपको V50 इस कीमत के साथ, कमेंट डाउन बिलो।